खरगोन जिले के सनावद में संकीर्ण और क्षतिग्रस्त इंदौर इच्छापुर हाईवे पर निरंतर दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण क्षेत्र दहल गया है, लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हाईवे के चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण और हाईवे सुधार की मांग को लेकर बड़वा के युवा समाज सेवी राकेश चौहान सनावद नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किलर हाईवे के नाम से कुख्यात इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर हादसा न होता हो। राजमार्ग पर एक दुर्घटना की स्याही सूखती नहीं कि दूसरी दुर्घटना घटित हो जाती है। निरंतर घटित हो रही दुर्घटनाओं के कारण क्षेत्रवासियों में रोष और दहशत का वातावरण है। 2 दिसंबर को भी सनावद नगर की मोरगढ़ी कॉलोनी निवासी एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया था। ट्रक का पहिया उसके सिर से गुजर गया था, इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रोज प्रतिदिन हो रही घटना दुर्घटनाओं को लेकर बड़वा नगर के एक समाज सेवी राकेश चौहान आज सनावद नगर में परसों के दिन हुई एक दुखद दुर्घटना इसी रोड पे उसी स्थान के सामने धरना देने के लिए बैठे हैं। आज आपने धरना दिया, क्या कारण रहा धरना देने का आपका? ये जो इंदौर इच्छापुर रोड है, इसके इस रोड पर सन 2016 से मध्य प्रदेश सरकार ने सेहस्त पूर्व इस रोड को 33-33 फीट चौड़ा करने का आदेश किया था, जिसके अंतर्गत ओकारेश्वर जो है विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग है, तो सनावद और बड़वा दोनों इस प्रमुख रोड से लगे हुए नगर हैं। यहाँ पर 33-33 फीट रोड का चौड़ीकरण करना था। वर्तमान में इस रोड पर 2016 से लेके तो आज दिनांक तक लगभग आप मान के चलें कि हर थाना क्षेत्र में 70 से 80 मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है। 17 थानों के अगर रिकॉर्ड देखें तो इस इंदौर से लेके इच्छापुर तक लगभग 1200 मौतें हो चुकी हैं। 17 थाने जो हैं इस क्षेत्र में लगते हैं। और अभी परसों यहाँ पर जो है ये सनावद शनि मंदिर घाटी है, यहाँ पर मेरी आँखों के सामने एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी है, उसके विरोध में आज मैं यहाँ पर एक दिन ही धरना दे रहा हूँ और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो सनावद है, यहाँ पर बाकुड़ नदी से मेरी मांग है कि बाकुड़ नदी से लेकर तो रिलायंस पेट्रोल पंप तक इस रोड को 33-33 फीट अतिक्रमण हटाकर चौड़ा किया जाए। दूसरा, इस बाकुड़ नदी से लेकर तो ट्रिंगल तक ये जो रोड है इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति में है ये रोड। यहाँ पर प्रतिदिन हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड गाड़ियों के निकलने के बाद धूल धुएं का गुबार एक बनता है और आसपास के रहवासी क्षेत्रों को बीमार बना रहा है। तो इस रोड पर अतिशीघ्र डामरीकरण किया जाए। उसके अलावा इस रोड पे सन 2016 से वर्तमान दिनांक तक जितनी भी जगह पे जानलेवा दुर्घटनाएं हुई है, उन दुर्घटनाओं के स्थानों को चिन्हित करें और नगरीय सीमा और ग्रामीण सीमा, पंचायत सीमा क्षेत्र में उन जानलेवा स्थानों पर अतिशीघ्र गति अवरोधक का निर्माण करे शासन प्रशासन। और अगर शासन प्रशासन 15 दिवस में अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं राकेश चौहान इस रोड से गुजर रहे हर थाना क्षेत्र पर प्रतिदिन 1 दिवसीय धरना प्रारंभ करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।